चलिए ठीक है, इस कंपाउंड को देखते हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चर एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन जनरेटेड बाय C6H12O, यानी C6H12 को देखते ही आपको दिमाग में आएगा कि कहीं ना कहीं एक DOU है, यानी वो और वो एल्डिहाइड की है। तो इससे जो भी एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे वो साइक्लिक तो नहीं बनेंगे, साइक्लिक बनते डबल DOU आ जाती है, समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जितने भी बनेंगे वो स्ट्रक्चर और एलिफैटिक वाले बनेंगे, समझ में आ रही है लैंग्वेज? अब मैं क्या करूंगा, आंसर जब मैं निकाल रहा हूं इसका, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चलेगी कि पहले एल्डिहाइड बनाया जाए, और एल्डिहाइड बनाने के लिए क्योंकि एक CHO ग्रुप चाहिए, तो फिर कार्बन कितने रह जाएंगे, पांच, छह में से गए एक, पांच, तो पांच कार्बन है, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, सही है? तो यहां पर CHO यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, बस इसके अलावा तो पोजीशन नहीं है, फिर रिपीटेशन हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में चेन को छोटी करनी पड़ेगी, 5 से छोटी कितनी होगी, 4, और 4 करती एक यहां लग जाएगा। अब CHO लगाना शुरू करो, CHO यहां लगा दिया, यहां लगाओगे तो आइडेंटिकल है, लेकिन यहां तो लगाया जा सकता है, यहां लगाया जा सकता है, यहां लगाया जा सकता है, सब अलग अलग है। तो कितने एल्डिहाइड हो गए अभी तक, 1, 2, बहुत सारे हो गए, हाँ या ना? अब और छोटी चेन कर दो आप, कितने कार्बन की करना चाहते हो आप, 5 में 3 कार्बन की कर दी, तो क्या इससे भी CHO लगाया जा सकता है? हाँ, इस तरह से आपके टोटल एल्डिहाइड कितने हो गए, 8, दिख रहे हैं आपके? आपका क्या आंसर आ रहा था, ज्यादा आ रहा था या कम आ रहा था, 6। अब सही है, बनाने का तरीका सीखो आप, कहीं कोई दिक्कत, किसका आंसर सही आ रहा था, आपका सही आ रहा था। तो बनाने का तरीका हमेशा यही रखना है कि चेन को छोटी करते चले जाओ। दूसरा आंसर क्या, और भी बन सकते हैं क्या इससे ज्यादा, सोचो, नहीं ना? कार्बन पूरे यूज हो गए, किस तरह से आपको CHO लेना है, आपको CHO ऐसे अलग से फंक्शन ग्रुप बना के बना लिया आपने, सही है? अब कीटोन्स बनाते हैं अपन, कीटोन बनाने के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पूरे लिखने पड़ेंगे। बस ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड ओ कॉर्नर पे नहीं लग जाए, क्या यहां लगा सकते हो, हाँ, क्या यहां लगा सकते हो, हाँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, अब रिपीटेशन हो जाएगा, अब आप उधर मत जाओ, रिंग को छोटा करो, ये आपने रिंग को क्या, चेन को छोटा करो, कर लिया आपने, बिल्कुल कर लिया। अब डबल बॉन्ड ओ लगाना शुरू करो, यहां लगा सकते हो, यहां तो लगा नहीं सकते, और कॉर्नर पे लगाने के लिए मैंने मना कर रखा है, कॉर्नर पे लगाते ही एल्डिहाइड बन जाता है, कहां लगाओगे, यहां लगा सकते हो, कहां लगा सकते, क्या यहां लगा पाओगे, नहीं, यहां क्यों नहीं लगा पाओगे, एल्डिहाइड बन जाएगा, या तो ये यहां लगेगा या यहां लग रहा है। अब आगे, अब पॉसिबल नहीं आ रहा, सही है? आप इसकी एक और चेन बना लो, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की थी और एक यूं लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन अब आपने यहां पर लगा दिया मिथाइल ग्रुप, मना तो कोई नहीं कर रहा, इसमें आप डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, यहां लगा लोगे, क्या कॉर्नर पे लगा नहीं सकते, तो बचा एक ही, समझ में आ रही है लैंग्वेज? अब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, चेन को और ज्यादा छोटा करने की जरूरत है, इसमें तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मिथाइल आप यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगाते वापस रिपीटेशन हो जाएगा। तो अब चेन और छोटा कर दो, कितने कार्बन की, 4, 5 और 6, ऐसे लगाओगे आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा क्या, सॉरी कीटोन मिल जाएगा क्या, नहीं नहीं मिलेगा, देख लो, यहां लगा नहीं सकते, यहां लगा नहीं सकते, यहां लगा नहीं सकते, कॉर्नर पे लगाना है नहीं, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन यहां आपके पास बन सकती है कंडीशन, एक दोनों मिथाइल यहां लगा दिए,
और वो है ये, पक्का? और तो कुछ आप नहीं कर सकते क्या? और ज्यादा छोटा कर सकते हो चेन को? कितने कार्बन की कर लोगे आप? चार, छह से चार तो लिया है, नहीं कर पाओगे, तीन कार्बन की नहीं लग पाओगे, तीन कार्बन में आप पांच ला पाओगे। और अगर आपने यहां पर इथाइल लगा दिया तो एक दो तीन चार, ये तो चार हो गई वापस, तो आपका आंसर जाएगा इस जगह, कीटोन कितने बन रहे हैं आपके पास? एक दो तीन चार पांच छः, और एल्डिहाइड कितने बन रहे हैं? आठ। ये वाला आंसर किसी के और आ रहे हैं आइसोमर, इससे ज्यादा बन रहे हैं? नहीं। ये आंसर किसका सही है? सबका सही है, ऐसे बनाना है, लिख लें इसको, देखते हैं। हाउ मेनी एस्टर्स, हाउ मेनी स्ट्रक्चर एस्टर ऑफ C5H10O2। ठीक है, मैंने बड़ी चालाकी से ये बात का ध्यान रखा है, इसकी DOU कितनी रहे? वन। यानी हमारे पास एस्टर तो होगा लेकिन साइक्लिक या इन आयन वाले एस्टर नहीं होंगे, नॉर्मल एलिफेटिक सैचुरेटेड एस्टर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एस्टर के लिए बात करता हूं, तो मेरे पास ये तो मालूम है एक कार्बन मेरे को उस तरफ चाहिए, चाहिए किस तरफ? दूसरी तरफ। तो मैं यहां पर कितने कार्बन रख रहा हूं? पहले चार, एक दो तीन चार, डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एस थ्री, एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल एक एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल सही है, C5H10। या सुनो, मुझे कुछ नहीं करना, अब इसमें चेंजेज करने, चार को तीन बनाया जा सकता है? हाँ, चार को तीन बना सकते हैं। और तो कुछ कर नहीं पा रहे? कर पा रहे हो इसके अलावा? नहीं। तीन को दो बनाया जा सकता, दो को अब एक बनाया जा सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? ओ सी एस थ्री इधर, C2H5, दो कार्बन इधर ले जाने होंगे। अब आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। अब क्या एक और कार्बन ले जा सकते हो? फिर ओ सी सी यहां चेंजेज करो आप, कोई डाउट? तो आपके पास अब क्या इसको कोई चेंजेज कर सकते हैं? नहीं। अब एक और कार्बन ले जाओ, सिर्फ इधर अब एक ही रह गया, एक कार्बन मैंने यहां लगा दिया, एच डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी सी, एक कार्बन मैंने यहां लगा दिया, लगा सकता हूं मैं, मना तो कोई नहीं करेगा। एच, अब और कार्बन छोटा कर दो इधर, चेन ही छोटी कर दी, एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल सही कर दिया। तो कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, यार ये तो नौ बन गए यार, सही आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो समझ में आ गया नो? क्या इससे ज्यादा बन पा रहे हैं? नहीं। तो बहुत इजी वे में हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अगर इसने कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा होता एस्टर की जगह, तो अब आंसर आपका जल्दी कितना आता है देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ मेनी स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? तो पांच कार्बन है, एक कार्बन माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि वो तो COOH में जाएगा ही जाएगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं है। तो आंसर कैसे निकालेंगे हम? चार कार्बन से हम ये बना सकते हैं, सिर्फ चार कार्बन से, या ये बना सकते हैं, समझ में आ रहा है? इससे छोटी चेन नहीं कर सकते। अब COOH लगाना शुरू करो इसमें, पक्का? तो ये COOH यहां लगा दिया,
सी डबल ओ एच यहाँ लगा दिया, कोई और पॉसिबिलिटी है क्या आपकी इसके अलावा? नहीं, सी डबल ओ एच यहाँ लगा दिया और सी डबल ओ एच यहाँ लगा दिया, ये तीनों एक जैसी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? चार। कोई और छोटी चेन कर सकते हो आप? नहीं। पक्का? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो यही है, अगर यहाँ सी डबल ओ एच की जगह सी एल होता तो भी आंसर यही जाता, ओ एच होता तो भी आंसर यही जाता, सी डबल ओ एच है तब भी आंसर यही जाएगा। तो आंसर कितना होगा इसका? टोटल आइसोमर्स 4, टोटल कार्बोक्सिलिक आइसोमर। आ रही है बात समझ में? इस ग्रुप से, डबल बॉन्ड ओ से कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं? एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल कीटोन नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि दो ऑक्सीजन है, दो कीटोन बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा? डीओयू दो चाहिए, जबकि यहां पर कितनी है? एक है। हाँ, ऐसे बना सकते हो, एक कीटोन और एक ओएच, एक कीटोन और एक ओआर, समझ में आ रहा है? तो फिर आइसोमर्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैं इससे ये पूछूंगा इंडिविजुअली, या तो एस्टर या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर पूछा जा सकता है, जनरली हमारे सिलेबस में वो सारे आंसर आ जाते हैं जिनके आंसर 12 से कम हो, 10 से कम हो तो बहुत अच्छा, जैसे एस्टर आ सकता था। नो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, एस्टर पूछ लिया जाए तो बच्चा गलती करेगा ही करेगा, आपको मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को देख के। जनरली गलती अपन नहीं कर रहे लेकिन औरों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये अच्छे क्वेश्चंस में आ रहा है, समझ में? अब आगे देखिए, हटा रहा हूं मैं, एक और पॉइंट है मेरे पास, एमीन। मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, एमीन वहां मेरा छूटा हुआ है, क्या 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन सेम फंक्शन ग्रुप है या अलग है? अलग है। तो की पॉइंट हमारा एक यहां पर लिखना बनता है, की पॉइंट क्या रहेगा? रिमेंबर दैट 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन आर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वेयर एज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल आर सेम फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट रहा। तो अगर हम बात करते हैं वापिस, पहला क्वेश्चन है यही है, हाउ मेनी वन डिग्री एमीन, हाउ मेनी एमीन, मैं एमीन ही लिख देता हूं, कैन जनरेट बाय सी फोर एच 11N। क्या लगता है आपको इसकी DOU क्या होगी? नहीं होगी। आप देखो, नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन जो होता है वो बल्कि एक हाइड्रोजन खा जाता है, मैंने शुरू में बताया था डे फर्स्ट में, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन खा जाता है, तो कितना बन जाएगा एक तरह से? C4H10, और C4H10 एक एल्केन है, तो DOU क्या आएगी उसकी? जीरो। तो यहां DOU है ही नहीं, ये सैचुरेटेड एमीन ही बनेगा, अनसैचुरेटेड नहीं बनाएगा। तो जब आप इसका आंसर करेंगे तो सैचुरेटेड एमीन बनाए सबसे पहले 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन बनाने का मतलब है
चार कार्बन आपके दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए, और NH2 अब आप कहीं पे भी लगाएं, कॉर्नर पे लगाएं, बीच पे लगाएं। तो सबसे पहले मैंने यहां लगाया NH2, मैं 1 डिग्री अमीन पहले बना रहा हूं। NH2 यहां लगाया, फिर रिपीटेशन हो जाएगा। चेन छोटी कर दी मैंने, NH2 मैंने यहां लगाया और NH2 यहां लगाया। तो चार कार्बन से तो मेरे पास कितनी बनेगी, चार ही बनेगी। ये बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जैसे COOH लगाया था मैंने, पक्का, या कोई भी CL लगाऊंगा, चार कार्बन से चार दिमाग में बैठा हुआ है अंदर तक, NH2 लग गया। अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, 2 डिग्री एमीन्स के लिए। 2 डिग्री एमीन बनाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ग्रुप तो चाहिए, और अब मेरे पास क्या हो जाएगा, एक NC आ जाएगा, NH नहीं, NC। NC का मतलब एक कार्बन N से जुड़ा हुआ है। फिर बाद में सोचेंगे NC2 भी आ सकता है, लेकिन पहले NC सोच लेते हैं। NC सोचते ही बाकी के कितने कार्बन रह गए, तीन। तो NC गलत ले लोगे आप, NHC ही लो आप, NC से फिर आइसोसाइनाइड फील आ जाएगी आपके। NHC यानी कि ये 1 2 3, तीन कार्बन तो आपको तब भी चाहिए, 1 2 3, बिल्कुल सही है। अब ये NHC में यहां पर की जगह यहां लगा देता हूं, कॉर्नर पे लगाते रिपीटेशन। क्या इससे छोटी चेन करी जा सकती है, इसको तीन कार्बन को नहीं करी जा सकती, कर ही नहीं सकते, दो बना ही नहीं सकते, पक्का। तो ये तो हमारे पास हो गया 10। 2 डिग्री अमीन में एक और आता है, और वो आएगा फिर दो कार्बन, और NH C2H5, दो कार्बन ले लिया आपने, NH C2H5, ये 2 डिग्री अमीन हो गई। क्या इसको कहीं भी लगाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये तो मेरे पास हो गया 10। तो 1 डिग्री अमीन कितनी बन पा रही थी मेरे पास, चार, और 2 डिग्री अमीन कितनी बन पा रही है, तीन, 1 2 3। सोचो पहले मैंने क्या बोला इस जगह, वर्ड्स को जरूर ध्यान रखना कि सर ने करना कैसे शुरू किया। आप रैंडमली बनाओगे ना 100% अटक जाओगे बीच में जाके कि बना कैसे, एक स्टेप वाइज आंसर चाहिए आपको। NH सर ने बनाया 1 2 डिग्री के लिए, NHCH3 ले लिया, फिर उसके बाद बाकी एटम्स को कम करते चले जा रहे हैं। समझ में आ रही है लैंग्वेज। अगला, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन है 1 2, और एक तरफ दो कार्बन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। 3 डिग्री अमीन बनेगी तो सिर्फ एक बनेगी बस। तो टोटल एमीन्स कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे ज्यादा कोई बन रही है आपके पास, आ रहा है समझ में। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन पहले यहां तक सब उतार लीजिए। और अगला क्वेश्चन अगर मेरे को बनाना है इसके लिए, तो क्या बना रहा हूं मैं, C5H, क्या लिखा जाए देवेश, मेरे को एलिफेटिक सैचुरेटेड एमीन चाहिए, यहां क्या आना चाहिए, H11 आना चाहिए या 13 आना चाहिए एमीन, नहीं 13 आएगा, क्योंकि मैंने अभी हाल भी बोला था नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन खाता है, तो पहले तो एक हटा दो, तो अब बचा क्या 10। ऑक्सीजन कितने खाता है, 0, और हेलोजन देता है, तो खत्म यार। अब आपको आंसर में आपको इतने सारे आंसर बन जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा और कर देता हूं इजी। 1 डिग्री अमीन जनरेट जनरेट बाय दिस, करें इसको आंसर, C5H13N, जल्दी बताएं मुझे। एक और अच्छा एग्जांपल लिया हमने, हाउ मेनी 1 डिग्री एमीन जनरेट बाय C5H13N,
एमीन है यानी एनएच टू ग्रुप है। तो एनएच टू ग्रुप है तो अपन को पहले पांच कार्बन वाले देखने होंगे, 1 डिग्री एमीन हमारे दिमाग में है, तो पांच कार्बन वाले हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एनएच टू कहाँ लगाओगे, लगाना शुरू करो एनएच टू, एनएच टू, 1 2 3 4 5, एनएच टू, फिर रिपीटेशन हो जाएगा, सही है। तो चेन को क्या कर दो, छोटी कर दो, छोटी करते ही पांच से क्या हो गई, चार हो गई। अब एनएच टू कहां लगा सकते हो, यहां, यहां लगाने का मतलब है रिपीटेशन, यहां, 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 सही है। और भी छोटी चेन की जा सकती है, चार से तीन बिल्कुल आ सकता है, यहां लग नहीं सकता कार्बन में लेकिन कॉर्नर पे तो लग सकता है। तो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, सो योर आंसर गोज टू 8, पक्का। चलिए ये आंसर्स निकालना आपके लिए था, 2 डिग्री एमीन बताओ इसके अंदर इंडिविजुअली। अगला क्वेश्चन, लेकिन जल्दी आंसर देना है। देखिए तरीका क्या है, यहां क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी 2 डिग्री एमीन जनरेट बाय C5H13, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो मेरे दिमाग में जो फर्स्ट थिंग आई है वो है मुझे एनसी वाली बनानी है, NHCS3, 2 डिग्री का मतलब ये है, बोलो यस और नो। तो कितनी कार्बन बचेंगे बाद में, जल्दी से बोलो, चार, और चार का आंसर कितना होता है, चार, COOH में देख चुके, पहले भी देख चुके। तो ये जो चीज आ रही है, अब आपको यहां पर एनसी जोड़ना है, तो आंसर कितना आया, फोर, बार बार कर रहे हो आप, समझ में आ रही है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं बता देता हूं, एक हो गया ये, इस जगह NHCS3, NHCS3, और कहां होगा, छोटी चेन कर दिया आपने, NHCS3, NHCS3, हम पहले भी कर चुके हैं, COOH में कर चुके हैं, एल्डिहाइड में कर चुके हैं, यहां पर भी यूज कर सकते हैं। चार का सीधा आंसर कितना लिखते हैं, चार। अब क्या रहा अगला पॉइंट, क्या लोगे 2 डिग्री एमीन के लिए, NHC2H5, बोलो या सुनो, NHC2H5। अब बचे कितने, दो कार्बन, C2H5 बचे कितने, यहां पांच था ना, तो बचे कितने, तीन, तो 1 2 3, NHC2H5, इसको वहां की जगह यहां ले गए, NHC2H5, दो कार्बन, तीन कार्बन से ऐसे ही ला सकते हो, 1 2 3 10, अरे ये बात समझ में, अब इससे ज्यादा छोटा आप नहीं कर सकते चेन को। तो आंसर कितना होगा, देखते ही समझ में आ गया, चार और दो कितना हुआ, छः। तो पकड़ लो इस चीज को कि इससे दो ही बनेंगे, दो कार्बन, तीन कार्बन से दो ही बनते हैं पोजीशन में, अगर तीन कार्बन है और एक COOH है तो कितने बनेंगे, दो, पकड़ लिया अच्छे से, ये चीजें पकड़ लो। तो चार और दो छः, इन्होंने तो क्वेश्चन दिया मैंने और इन्होंने आंसर दे दिया था छः। हाँ 3 डिग्री अगर हमसे बनाया जाता तो CH3 CH3, ये लेते हम, समझ में आ रहा है, 3 डिग्री। तो अब एक सेकंड के लिए सोचो उस तरफ कितने कार्बन रहते हैं, तीन या दो, तीन पक्का, लेकिन इसमें दो ऑप्शंस बनते हैं, उधर तीन है ना, अभी एक और बन सकता था, अब उस तरफ कितने रहेंगे, एक या दो, दो, सही कहा आपने, दो, 2 3 4 5, दो रहेंगे। तो जब दो रहेंगे तो इसका आंसर कितना रहेगा, इसका तो 3 डिग्री के लिए अगर पूछा जा रहा है तो इसका आंसर तो एक ही रहेगा, उधर बचा ही दो है, दो से आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते,
और इसका आंसर कितना रहेगा, उस तरफ कितने बच रहे हैं, तीन, तीन से कितने बन सकते हैं, दो। ऐसे करना सीखो आप, कुछ समझ में आई बात? अब आप चाहो तो बना के देख लो। आ रहा है कुछ कुछ, आया समझ में? ऐसे बनाते हैं फटाफट। देखिए इनका ये कहना है कि सर हम यहां पर, किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है, हम यहां C3H7 ले लेंगे, तीन इधर ले लेंगे, तो उधर अपने आप कितने बच जाएंगे, दो। तो वो तो यही केस हो गया एक तरह से, एक तरफ तीन एक तरफ दो, दो से बन नहीं सकते, इधर से घूम नहीं सकते, और इधर से घूमने लग गए तो फिर तो आपका परमोटेशन कॉम्बिनेशन चालू, बहुत ज्यादा आंसर हो जाते हैं उसमें। कुछ पूछ रहे हो बेटा, आपको लॉजिक समझ में आया मैं किस लेवल पे बात कर गया? परमोटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया फिर अगर यहां पर भी तीन होते और उधर भी तीन होते, तो जितने तीन से इधर बन सकते हैं और जितने तीन से इधर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, हर एक के लिए उतने जाएंगे, तो वो आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा। आपसे उतने ही पूछे जाते हैं जिसमें आपका काम चल जाए, चार पांच छह, अगर इसके टोटल आइसोमर्स पूछ लिए जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आंसर कितना आ रहा है, 6 तो यहाँ आ रहा है 2 डिग्री का, 3 6 3 9, और 1 डिग्री कितने बनाए थे मैंने, 8 आ गया। तो टोटल आइसोमर्स आप आराम से बता सकते हो इसके कितने जाएंगे, टोटल आइसोमर्स 17, 6 3 9 और 8 17, आ गई बात समझ में, अगर टोटल आइसोमर्स पूछे जाते तो। तो ये आपने किस किस को पढ़ लिया, अल्कोहल पढ़ा दिया मैंने, अल्कोहल बच रहा है, अल्कोहल लें अपन, थोड़ा सा हम अल्कोहल ले लेते हैं। और अब अल्कोहल की खुद ओएच की खुद की डीओयू कितनी होती है, जीरो। तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे भी जीरो ही रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता एलिफेटिक के साथ साइक्लिक भी इन्वॉल्व हो जाए, बहुत आइसोमर्स बनते हैं फिर, और उतने आइसो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपके आइसोमर जनरली 10 या 10 से कम वाले ही पूछे जाते हैं। सिर्फ एक बार 12 आंसर आया था, सिर्फ एक बार, वो भी सब्जेक्टिव में 2002 में, हाउ मेनी अल्कोहल जनरेट बाय C4H10O, लिखते ही गलत हो गया, या सही है, सही है, क्यों सही नहीं है, मेरी बात सुन लो। मैंने बहुत पहले एक रूल बताया था कि ऑक्सीजन जब एक हाइड्रोजन लेता है तो ओएच ग्रुप बन जाता है, लेकिन वो ओएच ग्रुप अपना आप में एक हाइड्रोजन का काम भी करता है, हाइड्रोजन की जगह ही तो आ रहा है, यानी कहीं पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन बहुत सीधा आदमी है, कुछ भी नहीं खाता ना निकालता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन आने से डीओयू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो C4H10 क्या बनेगा, सैचुरेटेड अल्कोहल। नाइट्रोजन खाता है, हेलोजन देता है, और ऑक्सीजन ग्रुप कुछ नहीं करता। मुझे एल्डिहाइड बनाना होता ना तो मैं हाइड्रोजन 2 कम करता, तो खत्म बात, अल्कोहल है, एलिफेटिक है, आंसर क्या जाएगा इसका? मैंने ये नहीं पूछा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ये 4 है ओएच लगाने, खत्म, आंसर कितना है बोलो ना, 4। इतनी देर से अपन यही तो मेहनत कर रहे हैं, ओएच यहां लग जाएगा, ओएच यहां लग जाएगा, ओएच यहां लग जाएगा, OH यहां लग जाएगा, आंसर गोज टू 4। हमें करना ही नहीं है 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री, आ रही है बात समझ में, पक्का? चलिए 5 करते हैं, अब भी आंसर रटा हुआ होना चाहिए, अपन ने पहले बहुत सारे कर लिए, 5
तो ये 10 और 2 12, पांच वाले मैंने सी डबल ओ एच बनाए थे, याद करो आप, वही आंसर चेप दो। सी सिक्स वाला सी डबल ओ एच बनाए थे, या एक काम करो पांच कार्बन वाली 1 डिग्री अमीन देख लो, टेप दो आंसर। ये यही तो कर रहे हैं सब, क्या आंसर जा रहा है? 8। क्यों परेशान हो रहे हैं? समझ में आ गया, टेप दो आंसर 8। सही है, तो बिल्कुल सही है यार, 8 आंसर आ जाएगा आपका। अब सी फाइव, ये देखो 1 2 3 4 5 ओ एच ओ एच ओ एच। अब इस चेन को छोटा करना पड़ेगा, 4 ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच। अब चेन और छोटा कर दो, ओ एच, आंसर 8 आ गया। तो बस क्वेश्चन देखा, आंसर चालू। तो आपको क्या लिखना है, आपको एक गुरु मंत्र जरूर बनाना है अपनी लैंग्वेज में, सी एन एच टू एन, मतलब कोई भी है छोड़ो, तीन कार्बन है और यहां कोई भी फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी जी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन में कितने जी आई बनेंगे? सिर्फ तीन कार्बन में, एक तो यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, दो। चार कार्बन में कितने जुड़ेंगे? चार। और पांच में कितने जुड़ेंगे? आंसर कितना जाएगा? 8। आपकी आधी मदद तो मैंने पहले ही कर दी, अब बस बाकी के निकाल लिया करना ऑन द स्पॉट। 3 में 2 4 8, सही है, ये अप्रोच सही है, फटाफट पकड़ में आएगी। जी कोई भी हो सकता है, सी डबल ओ एच ग्रुप हो सकता है, ओ एच हो सकता है, एन एच टू हो सकता है, यानी मोनोवलेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जी इज मोनोवलेंट फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन हो सकता है कोई भी, एनओ टू हो सकता है ग्रुप, मोनोवलेंट ग्रुप। हटा दीजिए, बस हेडिंग डालिएगा चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर मैरिज। देखिए चेन आइसोमैरिज कब देखेंगे? टू और मोर आइसोमर्स, आइसोमर्स बोलते सारी पहले वाली डेफिनेशन तो एज इट इज आ गई, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? टू और मोर आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन, ये हमारे लिए हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, 1 2 3 4 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। आ रही है बात समझ में? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि इसमें 5 कार्बन रिंग है, सॉरी 5 कार्बन चेन है, और यहां पर क्या है आपके पास? 4 कार्बन चेन है, फोर कार्बन चेन है। हाँ या ना? तो ये तो हमारे लिए हो गया 4 कार्बन चेन। अब आगे
कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम ही रह जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे फिर, कौन से आइसोमर्स में डालेंगे, चेन की जगह फिर पोजीशन में। तो चलिए अगली डेफिनेशन भी कर लेते हैं हम, पोजीशंस आइसोमेरिस। सेम डेफिनेशन बनेगी, टू और मोर आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस। पोजीशन ऑफ लोकेंट और सब्सिट्यूएंट, बस इतना सा बहुत है। फंक्शन ग्रुप भी आ सकता है और फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप में पता है कौन सा आएगा, OH आएगा, कीटोन आ जाएगा, क्योंकि ये मेन पोज। हाँ बोलो भाई। E9 तो हाँ बिल्कुल, ईन और आइन, E9 को अपन मल्टीपल बॉन्ड्स लिख सकते हैं एक साथ, एक ही लाइन में लिखना चाहे तो, एक वर्ड में लिखना चाहे तो मल्टीपल बॉन्ड्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। तो मुझे आप ये बताएं कि मैंने यहां पर इथाइल लिखा है और यहां इथाइल, ये एक दूसरे के क्या हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, चेन पोजीशंस फंक्शनल क्या कहलाएंगे। पहले तो देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल सही है, आइसोमर तो है, तब ये क्या कहलाएंगे, चेन, बिल्कुल सही कहा। कैसे पहचाना इन्होंने चेन, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है, 5 कार्बन चेन, और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन चेन है, तो ये ऑब्वियसली चेन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि चेन आइसोमर्स की प्रायोरिटी ऊपर है पोजीशन। हाँ अगर यहाँ इथाइल की जगह मिथाइल होता तो क्या कहलाते, फिर पोजीशन कहलाते। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते, पोजीशन आइसोमर्स, यहां पर पोजीशन आइसोमर्स है। तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन, अब प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं, हटा दूं मैं ये बेटा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अंतर ये हो गया एमी, यहां लगना पड़ेगा, पोजीशन तो चेंज करना ही पड़ेगा हमें, अरे ये तो ही पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, नहीं तो आइडेंटिकल बन रहा है। हाँ हटा दो ये, साफ कर दिया जाए, लिख लिया आपने ये, चलो ठीक। तो हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा, कैलकुलेशंस ऑफ आइसोमर्स, कितने कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं, हम बात कर रहे हैं एल्केन की, ये सब आपको बहुत काम आएंगे, एल्केन CH4 C2H6 C3H8 डू नॉट शो आइसो आइसोमेरेस, कोई भी तरह के आइसोमेरेस नहीं शो करेंगे, CH4 C2H6 और C3H8,
प्रोपेन यानी मेथेन एथेन प्रोपेन के आइसोमर्स कितने होंगे? जीरो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एल्केन हमारे पास हो गया, सी थ्री के बाद हम ले रहे हैं सी फोर एच टेन। पहले तो ये बताइए एल्केन है एल्कीन है? एल्केन है। सी एन एच टू एन प्लस टू को फॉलो कर रही है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, डीओयू कितनी है? जीरो है। तो साइक्लिक तरह के तो आइसोमर्स बन ही नहीं सकते। सी फोर एच टेन कौन सा आइसोमर्स होगा इसका? सिर्फ दो आइसोमर्स होंगे, एक तो ये और एक ये। कौन सी आइसोमर्स शो करेगी, चेन या पोजिशन? चेन, सिर्फ और सिर्फ चेन ही कर सकती है। क्या पोजिशन शो कर सकती है क्या? तो आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एल्केन विच शो आइसोमेरिस, फर्स्ट एल्केन विच कैन शो आइसोमेरिस, ब्यूटेन और पेंटेन? ब्यूटेन, आंसर इज राइट। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स। सी फाइव एच टेन, तो इसके तो बहुत हो जाएंगे। आप हमेशा बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले सबसे बड़ा कार्बन वाला, फिर कार्बन छोटा करो, चार कार्बन का इस सी फे नहीं, गलती हो गया, सी फाइव एच ट्वेल्व है। और अब और छोटा करना चाहते हो, कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसके तीन आइसोमर्स बन रहे हैं, क्या इससे ज्यादा आइसोमर्स बना सकते हो क्या आप? सोच के देखो, नहीं ना, यस और नो, एनी डाउट? तो ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स। आप बना सकते हो तो बोलो। तो अभी तक तो आपका पोजीशन ही नहीं क्रिएट हुआ। तो सी सिक्स एच फोर्टीन, इसके कितने आइसोमर्स होंगे? एक दो तीन चार पांच छ। अब आप क्या करेंगे, अपनी चेन को छोटा करेंगे। इधर देखो, ये आपने करा, ये छ। पहली बार मेरे को पीआई मिला है, पीआई का मतलब पोजीशन आइसोमर्स, इससे पहले मिला ही नहीं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फोल या एल्केन बाय फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन विच शो PI, आंसर क्या जाएगा? हेक्सेन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन विच कैन शो PI, PI का मतलब पोजीशन आइसोमेरिस, आंसर गोज टू हेक्सेन। फिर अब आप क्या करेंगे, चेन को और छोटा कर देंगे, कर सकते हैं। इसके तो और भी पीआई बन सकते हैं, इसके भी दो बनेंगे, क्या और बन सकते हैं आप? नहीं। फिर एल्केन को और छोटा कर दो आप, तीन कार्बन की पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप एक दो तीन चार पांच और जैसे ही लगाओगे, कहीं पे भी लगाओ, चेन बड़ी हो गई, एक दो तीन चार, वो की वही बन गई। तो कितने आइसोमर्स बन रहे हैं इसके, सोच के बोलो, इससे ज्यादा बना सकते हो क्या आप? नहीं ना। कितना आंसर आ रहा है आपका? फाइव। तो आप सभी के लिए मेरा अगला क्वेश्चन, इसके आंसर तो होंगे फाइव आइसोमर्स। और किस किस तरह के आइसोमेरिस शो कर सकती है ये भी लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ चेन आइसोमेरिस एंड पोजीशन आइसोमेरिस। क्या इससे आप मेटामर्स, फंक्शनल, ट्यूटोमर्स प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। रिंग चेन कर सकते हैं? नहीं। तो बताइए अगला एल्केन कौन सा है और उसके कितने आइसोमर्स होंगे, और उसका नाम है हेप्टेन, सी सेवन एच सिक्सटीन। इसके आइसोमर्स बनाए आप जल्दी से, जल्दी से बनाए इसके। सी सेवन एच सिक्सटीन के आइसोमर्स बनाना शुरू करें। देखिए बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है,
अब जब भी किसी के आइसोमर्स बनाओ तो सबसे पहला काम तो ये करो, किसके बनाने, C7H16, सबसे बड़ी चेन बना लो, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल बना लिया या नहीं बनाया? अब अगली लाइन में एक कार्बन कम कर दो, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, मेरी बात का ध्यान रखना, नहीं तो चलो ठीक है, ये आप आंसर रट भी लोगे तो आधा दिक्कत आएगी आगे। तो पहले आप अप्रोच सीखो कि बनाते कैसे हैं। एक कार्बन कम करा और उस कार्बन की पोजीशन कॉर्नर पे कभी मत लगाओ क्योंकि वापस 6 की हो जाएगी, उसे कहाँ लगाओ, यहाँ, नहीं तो रिपीटेशन दिखाई नहीं देगा आपको। फिर उसके बाद यहाँ 1 2 3, अगर आप यहाँ ले जाओगे वापस रिपीटेशन हो जाएगा उधर से, 1 2 3, तो इस बात का ध्यान रखो, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ गलती हो रही है। अब आप इससे काम नहीं चला सकते, अब आपको चेन को और छोटा करना पड़ेगा। कितने की कर दो अब आप, 6 की जगह कितने की कर दोगे, 5 की, 2 बच रहे, दोनों को यहां लगा दो, दोनों को यहां लगा दो, समझ में आ रही है? 5 की ही बनानी है आपको, एक को यहां लगा दो, कुछ कर सकते हो और, हाँ, एक को यहां लगा दो, बोलो यस और नो। फिर क्या करो, दोनों को एक साथ लगा दो। ये वाला जनरली भूल जाती है पब्लिक, आ गई बात समझ में? तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए, अब क्या और चेन छोटी हो सकती है, 4 कार्बन की, क्या इसके और बन सकते हैं, नहीं, आप कुछ भी करो नहीं करेंगे। तो गलती से भी आप ध्यान रखना, जब आप बना रहे हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की, तो ये 5 कार्बन की चेन, ये 6 कार्बन की चेन, ये 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, जबकि आपस में ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशन। को समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज? तो ये एक दूसरे के पोजीशन कहलाएंगे, तो लिख लीजिए, हेडिंग हमारा ये रहेगा आइसोमेरिज इन एल्कीन। एल्कीन सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है एल्कीन का, फर्स्ट, और वो होता है C2H4। क्या लगता है इससे कोई आइसोमेरिज जनरेट होगी क्या? नहीं, कोई नहीं हो रही है, भूल जाओ। दूसरा एग्जांपल हमारा होगा C3H6। क्या इससे कोई आइसोमेरिस जनरेट हो सकती है क्या, हाँ या ना? हो कौन सी बेटा, पोजीशन कैसे होगी, कोई भी आइसोमेरिस जनरेट हो सकती है क्या, हाँ बोलो, हाँ होगी, क्योंकि इसके DOU 1 है, साइक्लिक, बस। तो आपके पास साइक्लिक हो सकती है या नहीं हो सकती, हाँ हो सकती है, तो वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, बोलो हाँ। तो पहला एल्कीन जिससे आइसोमेरिस जनरेट होगी C3H6, लेकिन इससे पोजीशन नहीं जनरेट हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एल्कीन बाय विच PI कैन जनरेट, तो चेक करते हैं, देखिए हमारा आंसर कौन सा होगा, C4H8। इससे पहले हमारे लिए कितने आइसोमर्स बनाएंगे आप, 4 कार्बन आपने ले लिए, यहां डबल बॉन्ड बना लिया, यहां डबल बॉन्ड बना लिया, सही है? क्या और भी आइसोमर्स बन सकते हैं, हाँ, यहां डबल बॉन्ड बना के कार्बन यहां लगा दिया, सही है,
और तो कहीं नहीं लगा सकते, तो इसके कितने आइसोमर्स बन गए, तीन तो ऐसे बन गए, कार्बन कम कर दिया हमने कुल मिला के। तो ये तो हुए एक दूसरे के पोजीशन, ये हो गए एक दूसरे के चेन, समझ में आ रही है बात। तो चलिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ C5 H10, इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, अभी तो साइक्लिक भी बनाओगे, हाँ बिल्कुल सही है, इसके कितने आइसोमर्स होंगे, ये साइकिल हो गया, तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे इसके C4H8 के, 1 2 3 4 5, स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने होंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, पांच आइसोमर्स है। आगे मैं आपको GI भी पढ़ाऊंगा, तो GI तो अभी काउंट ही नहीं पूछ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं है GI आइसोमर्स, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ओनली स्ट्रक्चर आइसोमर्स, आंसर क्या जाएगा इसका, 5। इसमें हाँ बेटा, यहां डबल बॉन्ड ले ले, चलो तुम्हारी बात मैंने मान लिया, क्या ये और ये आइडेंटिकल नहीं है, चेक करो, तो इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे, IUPAC नेम सेम आ रहा है। चलिए इसके सही आंसर दे दीजिए, आपको मेरी तरफ से टॉफी गिफ्ट।